लंच ब्रेक में बात करेंगे उस बुर्का गैंग की जिसकी आड़ में अतीक के गुनाहों का संसार छिपा हुआ है। जी हां, अतीक की बीवी है शाइस्ता परवीन और कहते हैं कि माफिया डॉन का गैंग वही संभाल रही थी। उसने खुद को कानून की नजर से बचाए रखने के लिए एक ऐसा बुर्का गैंग बना रखा था जिसकी वजह से वो पिछले 56 दिन से यूपी पुलिस को चकमा देती आ रही है। कौन कौन है उस गैंग में, आइए देखते हैं। जरा नकाब के पीछे छिपे इन चेहरों और इसकी पहचान और उनकी हैसियत पर गौर करिए। नाम शाइस्ता परवीन, पहचान अतीक की बीवी, पता फरार। नाम जैनब फातिमा, पहचान अशरफ अहमद की बीवी, पता फरार। नाम आयशा नूरी, पहचान अतीक अहमद की बहन, पता फरार। नाम उंजिला नूरी, पहचान आयशा की बेटी, पता फरार। इन चारों नकाबपोश महिलाओं की गुमशुदगी या यूं कहें कि फरारी ने यूपी पुलिस की नाक में दम कर दिया है, क्योंकि इन चारों को अतीक और उसके गैंग से जुड़े अनगिनत राज मालूम है। इन्हें इन सवालों के जवाब भी मालूम है जिन्हें पुलिस हर हाल में जान लेना चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये और इनके जैसी वो तमाम बुर्का नशी कहां लापता हैं, जिन्होंने इसी बुर्के की आड़ में पुलिस को चकमा दिया और अतीक के गैंग को ऑक्सीजन। पुलिस का सारा ध्यान इन चारों पर है, लेकिन ये चेहरा खास तौर पर पुलिस के रेडार पर सबसे पहले नजर आता है। 56 दिन से पुलिस की आंख में धूल झोंक रही शाइस्ता परवीन, यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लेडी बन चुकी है शाइस्ता परवीन। अतीक के गैंग में गॉड मदर का दर्जा मिला, इनाम हुआ 50,000। पुलिस किसी भी सूरत में शाइस्ता परवीन को पकड़ना चाहती है। गरज ये कि शाइस्ता ने बुर्का गैंग बना रखा है और जिसकी आड़ में वो पुलिस को चकमा देने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ को पिछले 56 दिनों से इन सभी की तलाश है। ये है अशरफ की बीवी जैनब फातिमा। अतीक के भाई यानी अशरफ की बीवी जैनब भी पुलिस के रेडार पर है और ये शाइस्ता की बुर्का गैंग की सबसे अहम किरदार भी है। जैनब फातिमा की इसलिए पुलिस को तलाश है क्योंकि जैनब को पता है कि अशरफ के जुर्म का हिसाब किताब क्या है। जैनब प्रयागराज हत्याकांड की भी राजदार है। जैनब को अतीक के गैंग की पूरी जानकारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैनब के भाइयों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अशरफ के संग शादी होने से पहले जैनब फातिमा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन माफिया के घर में शादी होते ही अशरफ की पत्नी जैनब भी पुलिस की क्रिमिनल लिस्ट में शामिल हो गई। इनसे मिलिए, इन्हें लोग आयशा नूरी के नाम से जानते हैं। पुलिस को अतीक की बहन आयशा नूरी की बड़ी शिद्दत से तलाश है क्योंकि आयशा ने ही सरेआम पुलिस को गुमराह किया। आयशा नूरी पुलिस के रडार पर इसलिए है क्योंकि आयशा को पता है कि अतीक के गैंग का सच क्या है। आयशा प्रयागराज हत्याकांड में भी राजदार है। आयशा नूरी जानती है शूटरों का पता, बेटियां भी बड़ी राजदार। पुलिस आयशा नूरी की दोनों बेटियों की भी जांच में जुटी है क्योंकि पुलिस को अंदाजा है कि उसके परिवार में शामिल सभी महिलाएं और लड़कियां भी अपराध की घटनाओं में शामिल रही। इस बीच ये खबर सामने आई कि शाइस्ता परवीन बुर्के की आड़ में कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता परवीन के प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर करने की अटकलें हैं। सरेंडर करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। अतीक के पुराने वकीलों की जगह नए वकीलों की टीम बनी है। बहरहाल पुलिस ने अतीक के इस बुर्का गैंग को पूरी तरह से काबू में करने के लिए अब चारों तरफ जाल बिछा दिया है और इन सभी की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। आज तक ब्यूरो।